हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एक टीचर हैं और आपने यूट्यूब से पैसे नहीं कमाए तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। कि अगर आप टीचर हैं और आप किसी स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज़ाया भी कर रहे हैं साथ साथ। क्यों? क्योंकि आप उसका यूज़ पॉजिटिव वे में उधर कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उससे पैसे भी अर्न करें, पैसे भी कमाएँ। उसको करना क्या सिंपल है, जो आप लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को डेली बेस पर, उसको वीडियो की शेप में कन्वर्ट कर दें और महीने के YouTube से 50,000 60,000 जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप कमा सकते हैं बहुत आसानी से। और उसको करना कैसे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको। इन द फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आने वाली अपनी वीडियोस में आपके लिए बनाऊंगा और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं WhatsApp पे बाकायदा आपके लिए ग्रुप बना दूंगा। आज ही YouTube पर चैनल बनाएं और मेरी वीडियोज़ को देखें कि मैं आपको बता रहा हूँ YouTube पर एजुकेशनल वीडियोज़ बनाकर लोग कैसे महाना डॉलर्स कमा रहे हैं, आप क्यों पीछे हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल है सब कुछ। जो आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं डेली बेस पे, उसको वीडियो की शेप में कन्वर्ट कर दें और यूट्यूब पे अपलोड कर दें। और होगा कैसे सब कुछ, वो मैं आपको डिटेलिंग उसकी मैं करूँगा आपके साथ। मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसको अपलोड कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास यूट्यूब का क्राइटेरिया जो होता है 1000 सब्सक्राइबर का, 4000 वॉच आवर्स का, वो आपको अपने स्टूडेंट से मिल जाना है। आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे अपने स्टूडेंट्स, आप उनको बोलेंगे मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल, जो लेक्चर आपने मुझसे आज सुना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे चैनल पर आपको वो आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो आपका एक चीज़ तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कहाँ से आने हैं, तो ये आपके स्टूडेंट्स हैं। सेकंड, आप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसको डेली बेस पे उसके टाइटल के साथ आप उसको अपलोड करेंगे और वो चैनल आपका पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलने वाला है। और आपको पता है सिलेबस हमारे खास तौर पे जो फेडरल के हैं वो पूरे पाकिस्तान में फेडरल, जहाँ पर भी होगा जो बच्चा टॉपिक सर्च करेगा तो वो यही बुक्स हैं वो यही सर्च करेंगे और आपका चैनल मोनेटाइज भी जल्दी हो जाएगा और ये व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। तो ये आपके लिए इसलिए ईजी है क्योंकि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब आप कर रहे हैं और आप यही काम सिर्फ वीडियो में करना है आपने। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने नीच कम कैसे सिलेक्ट करनी है यूट्यूब पर, यानी आप सब्जेक्ट कौन सा, टाइटल क्या है आपका और चैनल नेम क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको मेरी वीडियो में मिलने वाला है क्योंकि आप ऑलरेडी एक टीचर हैं, आप किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपने वीडियोज़ बनानी है और वो यूट्यूब पर अपलोड करनी है। और आपको सबसे आसान चीज़ ये है कि आपको डेली बेसिस पर कोई भी, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने आज किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा होता है कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं उसमें डेली बेस पर आज ये क्वेश्चन है उसका आंसर, हर दिन आपके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है जिस पर आप डिस्कस स्टूडेंट से करते हैं। तो सबसे आपका बड़ा प्रॉब्लम ये हल हो गया कि आपने आज टॉपिक क्या सर्च करना है। तो आप ये देखें कि आपको आइडिया आपको सबसे पहले ये खुद से मिल जाएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें डेली बेसिस पे टॉपिक आपके पास हैं, आपने बस उस पर बोलना है, आपके पास स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, आपने जस्ट एक कैमरा लेना है, माइक लेना है अच्छा सा और उसकी वीडियो बना लेनी है अपने टॉपिक की और उसको अपलोड कर दें। और स्टूडेंट्स आपके पास खुद से हैं ऑलरेडी आपके पास, यानी सब्सक्राइबर अवेलेबल हैं आपके पास, वो स्टूडेंट्स को बोलें आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बस आप वीडियोज़ बनाएं और लाखों डॉलर्स कमाएँ। सब कुछ करना कैसे ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और ये बहुत इजी वे है। सिंपली आपने एक ऑडियो माइक लेना है, कोई भी आप ब्लूटूथ माइक ले सकते हैं, बोया का माइक, 2000 का बोया का माइक आएगा, आप रिकॉर्डिंग करें इजी, उसके बहुत आसान स्टेप हैं। आप रिकॉर्डिंग करें घर में मोबाइल से, किसी भी रिकॉर्डिंग करके उसको अच्छा एडिट कर दें, अगर अच्छा एडिट नहीं भी कर सकते तो एज़ इट इज़ भी आप उसको अपलोड कर दें। आपने उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से, उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अच्छे से डालने हैं ताकि बस वो जो लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर उनको अच्छे समझ में आ जाए टॉपिक जो वो सर्च कर रहे हैं। तो आपकी वीडियो तभी ऊपर आएगी जब आप अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे और उसमें डिटेलिंग कुछ भी नहीं है। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊँगा कि आपको समझने में मुश्किल हो, तो आप इंशाल्लाह मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखें। Now there are three important questions we should address at this point. Are videos good for learning? What are the benefits of using videos to teach? And why should you make your own videos when there are so many already out there? Evidence suggests that videos are good for learning, provided students aren't overwhelmed with information, students are required to engage with the video, and students actually do something where they apply what they learn. Videos can help you flip your classroom, freeing up class time for problem solving, collaborative learning, data analysis, whatever skills you want your students to learn. Videos can also make for a more equitable classroom,
allowing students to view the material at their own pace and go back to it if they need to. And if they miss class, they don't have to rely solely on textbook readings to catch up. Using best practices, video can also help manage cognitive load, making it easier for your students to learn. अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। और स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन दिस नीश। केयरफुली इंस्पेक्ट योर कॉम्पिटिटर्स एंड हैव पेशेंस। टू मोटिवेट मी यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम विशिंग योर बेटर जर्नी इन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।